नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। दिल्ली नगर निगम चुनाव के 250 वार्डों के लिए बुधवार यानी आज मतगणना चल रही है। अब से कुछ ही देर में गिनती पूरी हो जाएगी और इसी के साथ तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि दिल्ली की एमसीडी की कमान किसके हाथ में है। दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। आज यानी 7 दिसंबर को बुधवार को नतीजे की घोषणा की जाएगी। मालूम हो कि पिछले 15 सालों से भाजपा एमसीडी में काबिज है, लेकिन इस बार मुकाबला रोचक रहने वाला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती जा रही है। वहीं विभिन्न एग्जिट पोल की बात करें तो इस बार नगर निगम चुनाव में परिवर्तन की पूरी पूरी संभावना है। एमसीडी चुनाव के लिए सभी सीटों पर गिनती चल रही है और शुरुआती रुझान लगातार आते जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की आवाज़ पर फूल बरसाए जा रहे हैं और पार्टी के तमाम नेता उनके घर पर उनको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। परपड़गंज, रामनगर और रोहतास नगर से आपको बता दें कि आप आगे चल रही हैं। वहीं बवाना से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी के सभी 250 सीटों के रुझान है वो सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती दिख रही है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। और आपको बता दें कि आज एमसीडी चुनाव को लेकर गिनती प्रक्रिया जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है कि हमें 180 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली है। अगर वोटर्स हमारा पक्ष लेते हैं तो हम 230 सीटों को भी पार कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि मेयर हमारी पार्टी का ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रही है। वहीं आपको बता दें कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज मतगणना के बाद हो जाएगा। तो चुनाव से जुड़ी और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।